सत्ता के संरक्षण में शराब का व्यापार हो रहा है बिहार में। शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, बेवजह है, शराबबंदी लागू ही नहीं कहीं है। अरे शराबबंदी पर जो लगातार विपक्ष आक्रामक हो रहा है तो विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर हंगामा किया जा रहा है। आरजेडी के कई विधायकों का कहना है कि शराबबंदी कानून बिहार में सफल नहीं है। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आरजेडी के कई विधायकों ने साफ साफ ये तक कह दिया है कि अगर शराबबंदी कानून वापस नहीं लिया जाता है तो इससे नुकसान होगा, यानी कि शराबबंदी कानून को वापस लेने की भी बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि फिलहाल जो शराबबंदी कानून लागू है वो विफल है, होम डिलीवरी हो रही है, तमाम ये बातें कही गई हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वहीं बीजेपी की ओर से रणधीर सिंह जो कि विधायक हैं, उनका कहना है कि महिलाओं में खुशी है, घर घर में खुशहाली आई है, और कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं, तो सरकार का अंग है जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी तो आके शिकायत करें। क्या कुछ आरजेडी और बीजेपी के विधायक कहते हैं, जरा सुनिए। आरजेडी के विधायक सुदय यादव हमारे साथ है, शराबबंदी को लेकर जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है जहानाबाद के विधायक है, स्थिति क्या है, जमीनी धरातल पर क्या बात? पूरे जहानाबाद की मैं बात नहीं हो रहा है, यहाँ पूरे बिहार की बात हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जवन मरण जीवन का जो ये जो अति है शराबबंदी, वो पूरी तरह फेल हो गई है। सहयोग क्यों नहीं करते हैं, आप भी तो विधायक हैं। अरे भाई, हम लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन सरकार के सहयोगी लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, जब इसको बल दे रहा है कि नहीं हो तो ये कैसे बंद होगा? आखिर हम लोग से नहीं ना होने वाला है, जब सरकार में बैठे उनके सहयोगी मंत्री, उनके पदाधिकारी इसी में लिप्त हैं। तो नाम आप लोग को पर्दा फास्ट? नहीं, एक आध दो नाम नहीं, ये तो सब सरकार के संज्ञान में है कि कौन कौन लोग के यहाँ दारू मिल रहा है, कौन कौन लोग के यहाँ बिक रहा है, कौन कौन लोग उसका संरक्षण दे रहा है। मुझे लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई यही होती है कि जब उनके उनके नेताओं के यहाँ शराब मिलता है तो अधिकारी बदले जाते हैं, यही कार्रवाई होती है। कार्रवाई कितनी होती है? सुदय यादव बता रहे थे विधानसभा परिसर में इस वक्त जोरदार हंगामा हो रहा है। आरजेडी के विधायक विजय सम्राट भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है शराबबंदी से फायदा नहीं? शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, बेवजह है, शराबबंदी लागू ही नहीं कहीं है। सब सरकार तो कहते हैं कि आप ही, अगर आपको पता है कि ऐसे लोग कुछ मिले हुए हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप शिकायत कीजिए सारा, जब वहाँ पूरा एसपी से लेके नीचे तक सारा सब लोग मिले हुए हैं उसी में, तो किनके शिकायत कीजिएगा? करके भी कोई फायदा नहीं होता, शिकायत करने से भी कोई सुनता कहाँ है? क्या सही में होम डिलीवरी हो रही है? पूरा 100% होम डिलीवरी हो रही है, घर घर शराब बिक रही है, सब बच्चे लोग सब अपना कंधे पर स्कूल के बैग में ले जा करके सभी लोग शराब पहुंचा रहे हैं। क्या मांग करेंगे? तो मांग करेंगे जी कि से इसको अविलंब एकदम रोक लगाया जाए, और नहीं रोक लगता है तो चालू करा दिया जाए, और क्या। शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन भी हमारे साथ हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है जमीनी धरातल पर हकीकत क्या है? देखिए, शराबबंदी के आर में सत्ता के संरक्षण में आरसीपी टैक्स के तहत बिहार में ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया का सरकार उगाही करवा रहा है अपने लोगों से, सत्ता के संरक्षण में शराब का व्यापार हो रहा है बिहार में। आप लोग मांग करेंगे ना कि हमारे इसको सख्ती से लागू किया जाए? बिल्कुल सख्ती से लागू करना चाहिए। आज तक 6 साल हो गया शराबबंदी लागू किए हुए, आज भी घर घर शराब पकड़ा रहा है। आप लोग सरकार के ही अंग हैं, आप भी विधायक हैं, काहे नहीं इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई? हम लोग तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहाँ पुलिस पकड़ रही है? पुलिस तो उसमें और अगर पकड़ती है तो उसमें और दोगुना पैसा लेती, लेके और उसको छोड़ देती है, ये हाल है। पुलिस पैसा भी ले रही है, भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा बिहार सरकार जो है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। करेंगे कि इसको टाइट करे कानून? बिल्कुल टाइट करना चाहिए, और टाइट ही नहीं करना चाहिए, जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसमें दरोगा का संपत्ति का जांच होना चाहिए, थानेदार का संपत्ति का जांच होना चाहिए, डीएसपी का संपत्ति का जांच होना चाहिए, एसपी का संपत्ति का जांच होना चाहिए। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, मुकेश रोशन ने सवाल खड़ा कर दिया है। शराबबंदी को लेकर आरजेडी के नेता लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं, शराबबंदी कानून बिहार में सफल नहीं है, सीधी बात। नहीं देखिए, शराबबंदी कानून पर उनको, विपक्ष के मित्रों को ये समझना चाहिए कि उनका भी फैसला था, ये सर्वसम्मति वाला फैसला है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। और शराबबंदी पर जो लगातार विपक्ष आक्रामक हो रहा है तो विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे कि पुलिस ही शराब बिकवा रही है, हमने जब उनसे कहा कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप भी कहीं ना कहीं सरकार के अंग हैं, तो कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में सब कुछ है लेकिन सबको बचाती है। देखिए कितनी अच्छी बात आप बताएं, विपक्ष भी सरकार का हिस्सा होता है संसदीय लोकतंत्र में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो व्यवस्था कर दी है कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपको जानकारी है यहाँ दे दीजिए सारी, इसके तो अलग से अफसर आईजी प्रोविजन बनाए गए हैं। बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप हमारे कार्यालय को भी
मैं वहाँ भी एक अधिकारी नियुक्त कर दूंगा जिसको आप सूचना देंगे और वो नाम गुप्त रखेगा, उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए कानून तो तमाम चीज़ों के खिलाफ है, क्राइम के अगेंस्ट भी इतने कानून हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्राइम तो होता है। तो शराबबंदी के लिए भी सरकार का बहुत ही मजबूत प्रयास है। जो कमियां हैं हम सबको मिलकर जब सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया तो उसको रोकने में भी हम लोग सब लोग सम्मिलित हों, ऐसा प्रयास विपक्ष के मित्रों को, मतलब इससे खुशहाली आई है गांव में? नहीं बिल्कुल, महिलाओं का बेटियों का, आप कल्पना करिए किसी परिवार में उसका हस्बैंड या घर का बेटा शराब पीकर उपद्रव कर रहा हो, आपकी जो आधी आबादी है हमारी राज्य की उससे जाके मिलके बात करिए ना, इतनी प्रसन्नता है, इतना आत्मविश्वास है, शादी में समारोह में आप हम जाते हैं तो इतनी शांति है, तो एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो हमने सभी से बातचीत की है, सभी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, देखना अभी होगा कि शीतकालीन सत्र के सदन के अंदर क्या कुछ बातें होती हैं, सदन की कार्यवाही अब शुरू होने वाली है और क्या कुछ हंगामा होता है उससे आपको अवगत कराएंगे। सहयोगी नदीम के साथ आलोक कुमार, लाइव स्ट्रीम पटना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।